I wish you all very good morning. Welcome to all in this class. UKG subject English. Today I am going to teach you about alphabet. आज मैं आप लोगों को क्या सिखाने जा रही हूँ? Alphabet. तो बच्चों alphabet हम सीखें उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि alphabet है क्या? Alphabet है क्या? Today our topic is alphabet. ठीक है? तो किसी भी चीज की शुरुआत करने के लिए हमें पता होना चाहिए उसके बारे में, उस टॉपिक के बारे में हमें पता होना चाहिए जो बेसिक होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज साइज अल्फाबेट, व्हाट इज साइज अल्फाबेट. फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको हिंदी में बोलूं कि अल्फाबेट क्या है, तो बच्चों जैसे हम लोग हिंदी में देखते हैं वर्णमाला होते हैं क से ज्ञ तक, ज से ज्ञ तक क्या होते हैं? वर्णमाला होते हैं. और अ से आ तक क्या होता है? स्वर होता है. क से ज्ञ तक व्यंजन होता है और आ से आ तक होता है स्वर. क से ज्ञ तक कहलाता है व्यंजन और अ से आ तक होता है स्वर. तो बच्चों इसी तरह इंग्लिश लैंग्वेज में स्वर इट मीन वॉवल, व्यंजन इट मीन कॉन्सोनेंट. ये इंग्लिश अल्फाबेट में होते हैं वॉवल एंड कॉन्सोनेंट. ये टॉपिक हम शुरू करें इसके पहले हम जानना चाहेंगे क्या आप नहीं जानना चाहोगे ये अल्फाबेट क्या चीज होता है. बिकॉज प्रीवियस क्लास में हमें तो सिर्फ टाइप ऑफ अल्फाबेट सिखा दिया गया, हम लोग उसको लर्न कर लिया. लेकिन अब नेक्स्ट क्लास में हमारी ये रनिंग चल रही है क्योंकि इसमें हमें थोड़ा थोड़ा नॉलेज भी होना चाहिए उस टॉपिक से रिलेटेड. बेसिक जो इंग्लिश का बेसिक है वो हमें पता होना चाहिए. तो अल्फाबेट क्या है? एन अल्फाबेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द लेटर्स इन एनी लैंग्वेज. नो एन अल्फाबेट, एन अल्फाबेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द लेटर्स इन एनी लैंग्वेज. किसी भी भाषा में, किसी भी भाषा में अक्षरों का जो समूह होता है, अक्षरों का जो समूह होता है वह समूह ही क्या कहलाता है? अल्फाबेट के बाद है अक्षरों का समूह, ग्रुप ऑफ कलेक्शन, ग्रुप ऑफ कलेक्शन. अक्षरों का समूह ही क्या कहलाता है? अल्फाबेट कहलाता है. तो बच्चों ये तो हुआ अल्फाबेट की अल्फाबेट क्या है. एन अल्फाबेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द लेटर्स इन एनी लैंग्वेज. ओके, देयर आर टू टाइप ऑफ लेटर्स, देयर आर टू टाइप ऑफ लेटर्स. There are two types of letters in an alphabet. Okay. In an alphabet. अब वो two types of letters क्या होते हैं? Vowel, first is vowel. It means word. And second, consonant. It means genitive, vowel and consonant. Okay? सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अल्फाबेट हम किसे कहते हैं. ग्रुप ऑफ लेटर्स मैंने बताया है. तो अभी ग्रुप क्या है यहाँ पर वो देख लेते हैं. और इसी में हम वॉवल एंड कॉन्सोनेंट भी समझते हैं. ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X,
अक्षरों का समूह है, क्योंकि यहाँ पर आप पूरा देख रहे हैं कि पूरा एक ग्रुप में है ना, एक ग्रुप में मैंने इसको लेकर रखा है, तो ग्रुप ऑफ लेटर। ओके, ये तो हो गया एक जो समूह हो गया जिसमें हमने इसको कहा अल्फाबेट। ओके, अब इसमें से अगर हम इसको डिवाइड कर लें A-E-I-O-U, that is, these are vowels. Okay? इनको divide करने के बाद हमने क्या लिखा है? देखा, ये क्या है? A-E-I-O-U, vowels कितने हैं? 5. Okay? Next, W, N, Y. W, N, Y. They are both semi-vowel. Okay, A, E, I, O, U, ये तो हमारे vowel हो गए। W, N, Y, क्या हुए? Semi-vowel हो गए। अब बाकी के जो बच्चे ले रहे हैं, बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर सी डी एच जेड, ये क्या हो गए? इन लेटर को निकालने के बाद ये सारे लेटर क्या है, ये हो गए कॉन्सोनेंट। क्या हो गए बच्चों? ये हो गए कॉन्सोनेंट। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मैं क्या बताना चाह रही हूँ। बेसिक है, थोड़ा थोड़ा लेके चलेंगे, बीच में नहीं जाएंगे हम। इतना हमारा जो सिलेबस है उसमें वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट यूज होना है, तो ये हमें समझना बहुत जरूरी है कि वॉवेल क्या है और कॉन्सोनेंट क्या है। तो वॉवेल आपको पता चल गया ए ई आई ओ यू इज अ वॉवेल एंड इज अ कॉन्सोनेंट एंड दे आर सेमी वॉवेल। ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट, अब मैंने ये बताया अल्फाबेट, वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट। बच्चों अगर मैं इस ग्रुप से, ये जो पूरा ग्रुप है, ये जो पूरा ग्रुप है, इसमें से एक लेटर निकाल देती हूँ। मान लिया ये कोई लेटर मैंने निकाल दिया, बी निकाल दिया, ग्रुप से मैंने एक लेटर निकाल दिया, पूरा ग्रुप क्या कहलाया हमारा? पूरा ग्रुप कहलाया हमारा अल्फाबेट। और इसमें से अगर मैं कोई लेटर आउट कर देती हूँ, डिवाइड कर देती हूँ, तो ये क्या कहलाएगा? लेटर। क्या कहलाएगा? लेटर मीन जब वो ग्रुप में है, जब वो लेटर ग्रुप के साथ में है तो वो क्या हो गया? अल्फाबेट। और जब कोई लेटर मीन्स यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल बी दिया है, कोई सा भी लेटर ले लो आप, एस ले लो, ए ले लो, सी ले लो, एम ले लो, ये अलग अलग लेटर्स आ गए, तो अब इनको ग्रुप से जब अलग कर दिया तो क्या हो गया? लेटर हो गया। ग्रुप में है तो अल्फाबेट, ग्रुप से है तो लेटर। ये सिंगल लेटर अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, ये लेटर सिंगल अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये यहाँ ग्रुप में है, तो जो सिंगल अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो क्या हो जाएंगे? लेटर। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक एक लेटर से मिलकर, एक एक लेटर से मिलकर एक वर्ड कंप्लीट होता है, मीनिंगफुल वर्ड। वर्ड कोई सा भी हो सकता है लेकिन हमें मीनिंगफुल वर्ड चाहिए। तो एक एक लेटर को जब हम मिलाते हैं, जब हम उनको जोड़ते हैं, वर्ड फॉर्मेशन करते हैं, तब एक वर्ड तैयार होता है, वो भी कौन सा वर्ड? मीनिंगफुल वर्ड। चलिए बच्चों, अब हम लोग वर्ड में नहीं जाते हैं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैंने बताया वॉवेल कॉन्सोनेंट, और वॉवेल भी समझ लेते हैं। वॉवेल साउंड क्या होता है? वॉवेल साउंड अ लेटर दैट प्रोनाउन, अ लेटर दैट प्रोनाउन विद द हेल्प ऑफ वोकल कॉर्ड, वॉवेल कॉर्ड। इट इज कॉल्ड वॉवेल साउंड, इट इज कॉल्ड वॉवेल साउंड। फिर से मैं एक बार डिफाइन करूंगी, अ लेटर दैट प्रोनाउन विद द हेल्प ऑफ वोकल कॉर्ड, इट इज कॉल्ड
बॉडी स्टॉप. इट मीन जब हम कोई लेटर प्रोनाउंस करते हैं, जब हम कोई अक्षर प्रोनाउंस करते हैं, तो उसको बोलते समय जो आवाज हमारे कई कई जो गले से आवाज निकलती है, जो आवाज गले से निकलती है वो होता है वोवेल साउंड. ओके, इट टेक्स द आर्टिकल. अब वोवेल साउंड के लिए जो आर्टिकल यूज होता है वो हमेशा क्या यूज होता है, उसके लिए एन यूज होता है. सबसे पहले मैं लिखूं वोवेल साउंड क्या है. वोवेल साउंड a letter that pronounced with the help of a letter that pronounced with the help of vocal sound. It is called vocal sound. It tags the article L. अब साउंड की बात आई है तो जब हम बोलते हैं तो वह साउंड कहाँ से आता है, हमारे कंठ से आता है, हमारे गले से आता है. तो वो वोवेल साउंड क्या कहलाता है, जो आवाज जो उच्चारण हमारे कंठ से आता है, कंठ की सहायता से निकलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हम लोग वोवेल साउंड बोलते हैं. और इस साउंड को जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो इसके पहले जब भी वोवेल साउंड आता है तो इसके पहले जो हम आर्टिकल यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, वो क्या यूज करते हैं, उसके लिए एन का यूज करते हैं. ओके, अभी हम लोग कुछ एग्जांपल भी देखेंगे जिससे हम समझ में आ जाएगा. ठीक है, फिर है ए एन आई. ए एन आई ये आपको कोई भी वर्ड मीनिंग मिल जाए, कोई भी वर्ड मीनिंग मिल जाए, कहीं भी मिल जाए, अगर उसका स्टार्टिंग ए और आई से है तो उसके पहले आपको एन बना देना है. ये इसके साथ एक कंपल्सरी ज्वाइंट है कि ए और आई से अगर शुरुआत होता है तो उसको एन लगा देना है. ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट साउंड. कॉन्सोनेंट साउंड नेक्स्ट क्या है हमारा, कॉन्सोनेंट साउंड है. अ लेटर दैट डेफिनेशन इज अ लेटर दैट प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ लिप्स टीथ टंग बॉडी. इट इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट साउंड. जब हम प्रोनाउंस करते हैं, जब हम उच्चारण करते हैं, कभी कभी कुछ लेटर का साउंड होता है जो हम जिस लेटर को हम टीथ की हेल्प से बोलते हैं, कुछ लेटर को हम लिप की हेल्प से बोलते हैं, कुछ लेटर को हम बॉडी एक्सप्रेशन दिखाकर बोलते हैं, है ना. तो इस तरह के जो साउंड होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड. A letter that
A letter that runs with the help of legs, teeth, tongue. And body, it is called consonant sound. It is called consonant sound. Understood? It takes the article. It takes the article. कॉन्सोनेंट साउंड जब आता है तो उसमें हम आर्टिकल क्या यूज करते हैं, ए यूज करते हैं. क्या आर्टिकल यूज करते हैं? ए यूज करते हैं. और बच्चों डब्ल्यू एंड वाई इन दोनों के साथ हमेशा क्या लिखेंगे हम? ए. आर्टिकल ए यूज करेंगे. अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं. एग्जाम्पल से हमें और क्लियर हो जाएगा. यू अम्ब्रेला है ना. यू से अम्ब्रेला हुआ एंड यू से यूनिवर्सिटी हुआ. यू एन आई बी आर बी आर एन आई टी यूनिवर्सिटी. ओके. अब आप देखोगे इसमें जो साउंड आ रहा है इसका वो क्या आ रहा है? अ. अ मीन्स इसका जो साउंड आ रहा है वो हमारे थ्रोट से आ रहा है ना, कंठ से आ रहा है. अ मीन्स इसमें बोलने में हम देख रहे हैं ना कि हमारा जो माउथ है वो ओपन हो रहा है और साउंड आ रहा है अ का. अ का साउंड आ रहा है इसमें वॉवेल. और वॉवेल के पैटर्न मैंने आपको बताया था कि क्या यूज करेंगे एंड यूज करेंगे. यहाँ पर आप देख रहे हो यूनिवर्सिटी. यूनिवर्सिटी है ना. यहाँ पर आप सबसे पहले साउंड देखोगे क्या साउंड आ रहा है. कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है यू यर है ना. कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है और इसको बोलने में आप देख रहे हो कि हमारा माउथ जो है वो क्लोज है, वो ओपन नहीं हो रहा है ना. तो इसका जो साउंड आया है वो आया है य. तो यहाँ पर इसके लिए कॉन्सोनेंट के लिए हमने क्या यूज किया? ए यूज किया. क्या यूज किया? ए. ऐसे आप देखोगे एच. R S O U R R and S O R F E horse. R means आप यहाँ देखो first letter है तो S और S मैंने आपको बताया consonant है. but हमें letter पे नहीं जाना, हमें उसके sound पे जाना है. तो यहाँ पर R R means होता है घंटा. तो यहाँ पर S का sound आ रहा है अ. अ it means vowel और vowel के लिए हमने use कर दिया है. अब यहाँ पर देखते हैं horse. और बोलने में भी वैसे ही आ रहा है एस है और इसका साउंड जो आ रहा है वो ऑन में जा रहा है. लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया? आर्टिकल ए. आर्टिकल ए बस इसी तरह है. कुछ और एग्जांपल अगर हमें ई का एग्जांपल लेते हैं. एलिफेंट और E U R O P E A N European. European ठीक है. अब आप देख रहे हो फर्स्ट लेटर यहाँ भी E है और यहाँ भी E है. तो आपको होगी हम दोनों जगह यूज करेंगे आर्टिकल एंड नो दैट इज नॉट E है. लेकिन मैंने बार बार कहा कि आपको फोकस करना है साउंड पे. साउंड इसका है A. A साउंड आ रहा है तो A क्या है? वॉवेल है. वॉवेल के लिए हमने क्या यूज कर दिया है? यूरोपियन. यहाँ पर साउंड सॉरी वॉवेल जरूर ई है लेकिन जिसका साउंड आ रहा है वो आ रहा है य. और इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया? ए. बच्चों ये जो कॉम्बिनेशन जो आप लोगों को दिखा रही डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कि हम स्पेलिंग या लेटर सेम है बट जो उसका प्रोनंसिएशन है वो चेंज है ना. साउंड जो आ रहा है वो वॉवेल और कॉन्सोनेंट का जो साउंड आ रहा है वो हमें देखना है, वो
प्रोनाउंस कर रहा बात कुछ भी आप पढ़ो तो आप उसको प्रोनाउंस करते समय वो बॉडी लैंग्वेज जरूर देखिए. प्रोनाउंस करते समय बॉडी लैंग्वेज देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कौन सा साउंड सीन से आ रहा है, कौन सा साउंड टर्म से आ रहा है, कौन सा लिप से आ रहा है, कौन सा ओपन माउथ है. इट इज दी आप यहाँ देखोगे ऑरेंज मीन्स जब आप बोल रहे हो तो आप देख रहे हो कि आपका माउथ ओपन है और जैसे भी साउंड में और का आ रहा है यहाँ पर हमने का वाइट साउंड आ रहा है यहाँ पर लिखा जरूर करते हैं पौधे लेकिन इसका जो साउंड आ रहा है वो आ रहा है वो और वो क्या है कॉन्सोनेंट है. तो बच्चों ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट अल्फाबेट वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट का. आई होप आप इसको समझ में होंगे और अगर नहीं समझ में आता है तो आप जरूर करिएगा. मैं फिर से इसी टॉपिक को समझाने की कोशिश करूंगी. वैसे ये है बेसिक और बेसिक हमें जानना बहुत जरूरी है. तो ये पहले तो हम जान लेते हैं. पहले मैंने बताया आप लोगों को अल्फाबेट के बारे में कि अल्फाबेट क्या है. लेकिन अब बच्चों अगर हम फिर से सोचते हैं क्योंकि ह्यूमन बींग है तो हमारे दिमाग में हमारे ब्रेन में बहुत सारे थॉट आते रहते हैं है ना. तो मैं भी लिखते पढ़ते समय अभी आप लोगों के सामने ही थोड़ा सोचते थे कि आखिर ये अल्फाबेट वर्ड आया कहाँ से. क्योंकि बच्चे हैं तो उनको थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है ना कि अल्फाबेट वॉवेल कॉन्सोनेंट इतना सारा हमें लर्न करना पड़ेगा हमें समझना पड़ेगा. तो मेरे अंदर ये थॉट आया कि मैं क्यों आप लोगों को ये ना बताऊं कि ये अल्फाबेट वर्ड आया कहाँ से. जी हाँ अल्फाबेट को ग्रीक जो लैंग्वेज है ग्रीक भाषा से लिया गया. अल्फाबेट जो वर्ड है अल्फाबेट वर्ड ग्रीक भाषा से लिया गया है. किस भाषा से बच्चों ग्रीक भाषा से. इस भाषा में शुरू में अल्फा है शुरू में अल्फा बीटा गामा से सिखाया जाता है. ये जो लैंग्वेज है ग्रीक लैंग्वेज इसमें अल्फा बीटा गामा इन्हीं सब से सिखाया जाता है और वहीं से ये शुरू के शब्द ले लिए गए वहीं से ये शुरू के शब्द ले लिए गए अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बन गया बच्चों अल्फाबेट. ओके है ना देखा ना कितना इजी है. अल्फा एक ग्रीक लैंग्वेज से लिया हुआ वर्ड है बीटा भी ग्रीक लैंग्वेज से ही लिया गया है और क्योंकि वो लैंग्वेज भी इन्हीं से शुरुआत होती है इन्हीं वर्ड से शुरुआत होती है तो यहाँ पर अल्फा और बीटा को लेकर एक अल्फाबेट वर्ड तैयार हो गया. अब हम देखते हैं कि अल्फाबेट वर्ड तो हमने तैयार कर लिया लेकिन अब इसके अंदर अंदर क्या है इसको कैसे समझेंगे. तो जब हम यह भाषा सीख लेते हैं जब हम यह लैंग्वेज सीख लेते हैं लेटर क्या है अल्फाबेट क्या है तो इन लेटर को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है. इन लेटर को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है. इन लेटर को दो पार्ट में कैसे डिवाइड किया गया बच्चों जब हमने सीखी अल्फाबेट किया है तो अल्फाबेट में हमने लेटर को भी डिवाइड किया टू पार्ट में वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट में. ओके तो वॉवेल और कॉन्सोनेंट नेम तो मैंने बता ही दिया था आप लोगों को फिर भी मैं ओरल बता देती हूँ. वॉवेल वे मात्रा है वॉवेल वे मात्रा है जिसकी सहायता से कॉन्सोनेंट को मिलाकर न्यू वर्ड क्रिएट करते हैं न्यू वर्ड बनाते हैं. वॉवेल वे मात्रा है वॉवेल वे मात्राएं हैं जिनकी सहायता से कॉन्सोनेंट को मिलाकर एक न्यू वर्ड क्रिएट करते हैं. ओके वर्ड कैसे बनता है वर्ड वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट को मिला के वर्ड बनता है.
मॉडल और कॉन्फ्लुएंसी को मिला के क्या बन गया बच्चों, वर्ड बन गया है ना। अब वर्ड बन गया, आप पूछोगे वर्ड क्या होता है, तो बच्चों मैं बहुत ज्यादा लेकिन नहीं जाऊंगी, अभी तो मैं आपको उनको ओरल बता रही हूँ। और जब वर्ड फॉर्मेशन आएगा ना, वर्ड फॉर्मेशन भी हमारे सिलेबस में टॉपिक है, तो उस वर्ड फॉर्मेशन में हम लोग ये समझेंगे कि एक न्यू वर्ड और मीनिंगफुल वर्ड, व्हाट अ न्यू वर्ड मीनिंगफुल वर्ड, इट इज कंपल्सरी है ना। तो किसी भी लेटर से जब हम वर्ड को क्रिएट करते हैं तो हमें ये भी देखना है कि वो मीनिंगफुल वर्ड होना चाहिए, नहीं तो फिर उसका कोई मतलब ही नहीं है। अगर मीनिंगफुल वर्ड नहीं है तो कोई मीनिंग नहीं है उसका। तो हमें वर्ड क्रिएट करते समय ये भी ध्यान देना है कि वो मीनिंगफुल होना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज वीकेंड में लेके क्या क्या मैंने बताया, अल्फाबेट बताया आपको कि अल्फाबेट क्या होते हैं। अल्फाबेट में जो ग्रुप है उस ग्रुप में से मैंने डिवाइड किया लेटर्स एंड वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट, वो भी आप लोगों को मैंने क्लियर किया है। इसके बाद मैंने लेटर को डिफाइन किया है कि अल्फाबेट से जब हम किसी लेटर को निकाल देते हैं तो सिंगल लेटर लेटर होता है, और जब वो ग्रुप में होता है तो वो अल्फाबेट होता है। तो बच्चों ये था आज का ओरल। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और इसी टॉपिक में फिर से चर्चा करेंगे। अभी ये टॉपिक फिनिश नहीं है, तो हम अपकमिंग वीडियो में फिर से मिलेंगे इसी टॉपिक के साथ में। तो डोंट फॉरगेट माय अपकमिंग वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड हैव अ गुड डे।